अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम प्रीवियस वीडियो से ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल लो बजट में सिंपल सा YouTube सेटअप दिखाया था ताकि आप इजीली कर सको लो बजट में, और उधर से ही हमारी वीडियो कंटिन्यू हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट में वीडियो का कहा था कि वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तो फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं की तो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा लो बजट का आपका सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको न्यू लुक देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे न्यू लुक आपको दिखा देती हूँ कि टेबल पे मैंने बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर लिया है सब कुछ। यहाँ पे मैंने पॉट्स रखे हैं, यानी प्लांट्स जो आपको दिखाए थे उनमें मैंने स्टोन्स डाल दिए हैं थोड़े से दोनों में, और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ मैंने यहाँ पे एक डॉल सी रखी है, डेकोरेशन पीस है, जो कि वो भी वॉल के साथ मैच कर रहा था। यहाँ पे छोटा सा टेडी रखा है और ये बहुत क्यूट है, इसकी एक आंख विजिबल नहीं हो रही, मैं ठीक कर लेती हूँ। और मुझे याद है हम लोग हैप्पी मील लेते थे जब छोटे होते, तो बहुत ज़्यादा मैकडॉनल्ड में ये होता था कि हैप्पी मील लेना है, क्रेज़ था कि स्टफ टॉयज़ मिलते हैं, इस तरह के भी मिलते थे। तो आप लोग उनमें से किस किस को मिले हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथ मैंने यहाँ पर दूसरा पॉट रखा है, कैलेंडर रख लिया ताकि डेट्स मैंशन कर सकूँ, कोड बटन बहुत मज़े के लग रहे थे। डी आई वाइज़ के लिए डिफरेंट स्पूनस रख लिए क्योंकि बड़े मज़े के आए कैचिंग लगता है। और यहाँ पे मैंने एक होल्डर रखा है जिसमें मेरी सीजर है, हाइलाइटर है ताकि अगर मुझे कुछ लिखना हो, काटना हो, अनबॉक्सिंग करनी हो तो हेल्पफुल रहे। कैंडल स्टैंड है, साथ टेडी रख लिया है। तो ये ओवरऑल मेरा सेटअप मैंने कर लिया है टेबल पे, जो कि बहुत अच्छे से साथ आप देख रहे हो कि मैंने मैट रखा हुआ है जिसपे मैं डिस्प्ले करके अगर वीडियो लाइटिंग में डे लाइट में बनाऊँ तो उसके लिए भी मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर लाइटिंग की बात करूँ तो ये बड़ा एक शादी ब्याह पे जिस तरह एक जगमग जगमग हो रहा होता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इसमें वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, आप देख सकते हो लेंस कैप्चर नहीं करता। तो अगर आप सेटअप कर रहे हो तो ऐसे ही लाइटिंग मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे किस तरह की वॉल की है तो मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ वॉल की लुक, जो कि मैंने लाइटिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री की है। यहाँ पे मैंने बॉल्स लगा दिए हैं तो मैं आपको उसकी भी डिटेल बता देती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइटिंग की किस तरह यूट्यूब के लिए आप लाइटिंग कर सकते हो लो बजट में, या किस तरह आप इसका सेटअप और कर सकते हो आइडियाज़ दूँ, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मैं और वीडियोज़ भी उस पर बनाऊँ कि आप किस तरह लो बजट में और आइडियाज़ को पिक करते हुए अपना सेटअप लुक न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मैं भी जो चेंजेस करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक और पार्ट नोटिस किया कि जब आप ऐसे लाइटिंग कर लेते हो तो आपका स्टिल जो है वो वीडियो होगी तो लाइटिंग प्रॉपर रहेगी, लेकिन अगर आपकी मैं जिस तरह वीडियो बना रही हूँ तो आप देख रहे हो कभी लाइट डिम हो रही है, कभी लाइट एकदम से डार्क हो जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है रोशनी, कभी डिम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम इसका रहेगा। इसलिए स्टिल के लिए बहुत अच्छी लाइटिंग है। और यहाँ पर मैंने ये देखो बॉल्स लगा दी हुई हैं, आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो ये आइडिया कैसा आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस किस ने इस तरह जो है वो आइडिया पिक किया है, आप लोग कैसे सेटअप करोगे मुझसे वो भी शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर भी कर दिया था स्टिकर से, कि इसका भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर ये लाइट लगा दी हुई है जो कि बहुत अच्छी है, तो मैंने बिल्कुल इसको वो ब्लिंक में नहीं रखा, मैंने बिल्कुल इसको एक टोन में रखा है ताकि अच्छे से वीडियो कैप्चर कर सके। आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस शेयर करूँगी कि आप लाइटिंग कैसे कर सकते हो लो बजट में, या क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरह आप बैकग्राउंड बना सकते हो। तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या चाह रहे हो कि मैं किस पे पहले वीडियो बनाऊं। यहाँ पे मैंने वॉल्स पे नीचे बॉटम में नहीं स्टिकर्स लगाए थे, तो मुझे बताना कि अगर मैं ऐसे स्टिकर्स लगाऊं तो ये क्या अच्छा लगेगा, किस तरह की प्लेन वॉल अच्छी लग रही है। और मैंने गैप से स्टिकर्स लगाए हैं, एक जगह हजूम नहीं कर दिया क्योंकि वो बहुत हैवी लुक कर देना था उसने। और मैंने यहाँ पर प्लेन स्टिकर्स ही रखे हैं, कलरफुल नहीं लगाए, वो भी बहुत हैवी लुक मुझे लग रहा था हो जाएगी। तो लाइटिंग आप देखो में डार्क में हर तरह से ये किस तरह का लुक दे रहा है, तो मुझसे फीडबैक ज़रूर शेयर करना आपको कैसा न्यू लुक लगा। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े की वीडियोस आ रही हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके लिए ही होता है तो कमेंट किया करें, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।